पिछले दिनों प्रधानमंत्री की कुशल राजनीतिक क्षमता के दर्शन कब हुए थे? जबकि कतर की यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने वहां के सरकार की जेलों में हमारे कुछ पूर्व नव सैनिक बंद थे, उनको फांसी की सजा दी गई, फिर आजीवन में उसे कन्वर्ट किया गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की यह पहल थी कि हमारे आठों पूर्व सैनिक बाइज्जत बरी हो गए हैं और अपने घर को वापस लौट चुके हैं। आज साथियों, आज हर भारतीय को पूरा विश्वास हो गया साथियों, आज हर व्यक्ति को यह विश्वास हो चला है कि पूरी दुनिया में यदि कहीं भी कोई मुसीबत होगी, किसी के ऊपर भी कोई मुसीबत आएगी, तो उस मुसीबत, उस संकट से बचाने वाला कोई शख्स है इस धरती पर, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और मेरे साथियों, यह विश्वास ऐसे ही नहीं पैदा होता है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है, चाहे कोविड का समय हो, इराक, सीरिया और यमन के संघर्ष की स्थिति हो, चाहे वह सोमालिया का गृह युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध हो, प्रधानमंत्री कैप्टन इंडिया बनकर सब जगह से भारतीयों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे हैं। और मेरे बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की हैसियत क्या बनी है? पहले अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया दोनों खान खोलकर सुनती है, भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी।